नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की खास खबर। शहर में 5 दिनों में हत्या की 4 वारदातें। जरीपटका के अंबेडकर हॉस्पिटल के पास पुलिस का पंटर बोलकर चिढ़ाए जाने से आहत होकर एक अपराधी को मौत के घाट उतार दिया गया। 5 दिनों में हत्या की 4 घटनाएं होने से पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। मृतक सागर उर्फ बंटी उर्फ गुलाम वासुदेव जाधव तथा आरोपी जितेंद्र अनिल पाटिल है। बता दें, सागर पेशेवर अपराधी था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास सहित 18 मामले दर्ज है। उसे पाँचपावली थाना परिसर से तड़ीपार भी किया गया था। इसके बाद भी वह अपराध में सक्रिय था। आरोपी जितेंद्र भी आपराधिक प्रवृत्ति का है। जितेंद्र द्वारा बार बार सागर को पुलिस का पंटर बुलाए जाने से दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि उसने पत्थर से सिर कुचलकर सागर की हत्या कर दी, जिसके बाद जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, बीते 4 दिनों से शहर में लगातार हत्या की घटनाएं हो रही हैं। 7 नवंबर को MIDC में कुख्यात अपराधी शुभम उर्फ निम्बू निम्बुलकर ने अपने साथी मंगेश राय और आकाश शिंदे की मदद से मजदूर युवक की हत्या कर दी थी। 8 नवंबर की रात हिंगना के वेडाहरी में अजनी निवासी विनीत मेश्राम की उसके साथी अनिकेत मेश्राम ने ही हत्या कर दी थी। तो वहीं 9 नवंबर की रात प्रताप नगर थाने के तहत अनिल पारकर की हत्या कर दी गई थी। तो वहीं दूसरी ओर गर्लफ्रेंड को लेकर हुए विवाद में एक युवक को पेट में चाकू घोप कर गंभीर जख्मी कर दिया गया। वारदात बुधवार की रात महाल की राहती कर वाड़ी में हुई। जख्मी युवक शंकर देवगढ़े। तो वहीं आरोपी सतीश उर्फ लल्ला वड़े है। मामला महाल की एक 20 वर्षीय युवती से जुड़ा हुआ है। बता दें, युवती की पहले सतीश से मित्रता थी। 1 साल पहले उसकी मित्रता टूट गई, जिसके बाद युवती रोहित समुद्रे के करीब चली गई। रोहित को सतीश के इशारे पर युवती द्वारा ब्रेकअप का संदेह मिला। रोहित का मित्र शंकर देवगढ़े बुधवार की रात सतीश को समझाने आया। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया। फिर सतीश ने शंकर के पेट में चाकू घोप दिया और भाग गया, जिसके बाद शंकर को मेयो अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है और आगे की जाँच कर रही है। अब आप हमारी चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। अनुदानित आश्रम शाला सिरेगांव बांध की ओर से जिला तथा सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जायसवाल कंस्ट्रक्शन अर्जुनी मोरगांव की ओर से जिला तथा सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अनुदानित आश्रम शाला देवलगांव की ओर से जिला तथा सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जागरूप सिंह राजपूत BJP विधायक बापू नगर विधानसभा क्षेत्र अहमदाबाद की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।